सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू माई न्यू वीडियो गाइज। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ मसालेदार। लाइक आप लोगों का बहुत दिनों से क्वेश्चन था कि अनुदी आप सनी से कैसे मिले, आप लोगों का लव स्टोरी बताओ, आप लोग कैसे मिले, कहाँ पे मिले। तो गाइज, पहले मैं ये आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम लोगों का लव स्टोरी तो नहीं है, बट हाँ, सनी मुझसे कैसे मिला, सनी मेरे साथ कैसा आया है और क्यों मेरे साथ रह रहा है इन पीरियड में, तो मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट मैं क्लियर कर देती हूँ कि सनी और मैं फर्स्ट मीटअप हम लोगों का 8 अगस्त को हुआ है 2023, जो कि सनी कोलकाता से स्पेशली मुझसे मिलने आया था। फर्स्ट मैंने सनी को देखा था NGV में। और हम लोगों का फर्स्ट बात कब से हुआ है, तो हम लोगों का फर्स्ट बात हुआ है, सनी ने मुझे 27 जुलाई 2023 में मैसेज किया था, बट मैं वो मैसेज देखा नहीं। तो मैंने उनको, जब मैंने मैसेज देखा तो वो है 29 जुलाई 2023। तो उनका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे मैं दे दूँगी, आप लोग देख पाओगे वो जो जुलाई में। तो चीज़ें कुछ इस तरह का हुआ कि देखो, हम लोगों में मैंने पहले ही बोला है कोई लव स्टोरी नहीं है गाइस। हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, एज ए लाइक हम लोग पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी है, आप लोगों को पता है। तो जहाँ तक कि रिलेशनशिप की बात है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोगों को कि रिलेशनशिप जब मुझे फील होगा कि हाँ, लाइक उस तरह के लाइक होता ना, एक हस्बैंड, एक जो भी चीज़ें हैं, तो मैं वो चीज़ें सनी को बोलूँगी, ठीक है, मैं वो रिश्ते का नाम दूंगी। ओके, और सनी क्या इतना सीरियस क्यों हो, क्या बोलो? नहीं, ऐसे ही बोलो ना, मुझे क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, जो मेरा जो ये चैनल है वो मैंने पहले ही क्लियर आप लोगों को कर दिया है। मैंने वहाँ पे लिखा है कि ये कोई लव स्टोरी चैनल नहीं है गाइज, ये मेरे लाइफस्टाइल, मेरे लाइफ से जुड़े रिलेटेड चीज़ें हैं। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं जो काम करती हूँ, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो उसका रिव्यू होता है, जो भी चीज़ें होता है, मैं वो हर चीज़ इस चैनल में शेयर करूँगी। तो ये चैनल स्पेशली, ये चैनल का मेन जो एक मोटिव होता है, तो वो है मेरे लाइफ से जुड़े और मेरे लाइफ में मैं क्या एक्सपीरियंस करती हूँ, लाइक क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें मैं शेयर करने, इसलिए मैंने ये चैनल बनाए हैं। और इस चैनल का मोटिव ही वही है। और ये चैनल कोई लव स्टोरी चैनल नहीं है गाइस कि हाँ, मैं एक टॉम बॉय को प्यार करती हूँ, बहुत सारा प्यार करती हूँ और मैं वही चीज़ें दिखाऊंगी। तो देखो, हर किसी का चैलेंज होता है, बिकॉज हर चैलेंज का मोटिव होता है ना, अलग अलग होता है। मैं ये नहीं करती कि वो लोग प्यार नहीं करते, कि वो नहीं करते, बट स्पेशली जो वो आगे रखने का कि मैं एक टॉमबॉय के साथ रिलेशनशिप में हूँ, एक बच्चे की माँ होते हुए भी, तो हम लोगों का बॉन्डिंग, हम लोगों का प्यार आप लोग देख पाओगे, ऐसी चीज़ें नहीं है गाइज। मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ आप लोगों को, ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए लाइक एंटरटेनमेंट भी होगा, फिर वहाँ पे मस्ती मजाक भी होगा, फिर यहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट रिव्यू भी होगा, बहुत नॉलेजेबल जो मैं सीखी हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। आप लोग बोलते हो सनी ब्लॉगिंग करने के लिए, सनी क्यों नहीं करता है, तो गाइज सनी कैमरा को फेस नहीं कर पाता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, सनी को ये चीज़ें नहीं है कि वो कैमरा पकड़ के वो ब्लॉगिंग करे, कुछ भी करे, बिकॉज सनी का मेन मोटिव ही है बिजनेस, वो बिजनेस में खुश है। तो मुझे सनी ने एक ही बोला है कि अनु, मैं साथ में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना, क्योंकि सनी मुझे बहुत पुश करता है इस चीज़ को कि तुम अपना काम करो, तुम अपना करियर बनाओ, बट मुझे मेरे तक रहने दो। हाँ ठीक है, सबको पता है कि सनी मुझे बहुत प्यार करता है, इवन सनी के हाथ में मेरा नाम का टैटू भी गुदवाया है। तो ये टैटू कब गुदवाया है मैं ये बता देती हूँ, ये टैटू बनाया है 10 अगस्त, यहाँ पे जो टैटू का वहाँ पे देखोगे आईफोन का है, तो वो डेट वगैरह होता है, तो वो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे देती हूँ, 10 जुलाई को उन्होंने, और मैं आप लोगों के साथ 10 अगस्त, हाँ जो भी है 10 अगस्त 10 जुलाई, तो वो
स्क्रीन में देख ही रहे हैं फोटो का, जब वो चीज है ना तो वो रियलिटी टाइमिंग और डेट आ ही जाता है, ठीक है, छुप छुपा के कोई फायदा नहीं है। वही अगस्त, तो वही अगस्त 10 अगस्त को उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने बनाने के बाद मुझे सेंड भी कर दिया था, तो मैं वो चीज आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उस टाइम पर मुझे लगा था फालतू शायद गूगल वूगल से लिया होगा, लेने के बाद फिर मुझे इम्प्रेस करने के लिए जो भी चीज है बनाया होगा, क्योंकि इसको भी पता था कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी, बिकॉज मैं जो पास्ट रिलेशनशिप जो भी बुरा वक्त मैं गुजारी हूँ तो वो सारी चीजें मैं इनके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुकी थी, और कहीं ना कहीं इन्होंने भी वो चीज़ें समझने के बावजूद भी इन्होंने बोला कि अनु मैं ये टैटू इसलिए नहीं करा रही हूँ कि तुम्हारे साथ मुझे जो भी है, मेरा हिंदी सभी को पता ही है, तो ये टैटू इसलिए नहीं करा रहा है कि मैं इसके साथ लाइफ टाइम रहूंगी। सनी का कोई वो नहीं था, सनी का ये था कि हाँ मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे प्यार करती हूँ, तो इसका नाम का टैटू मेरे लाइफ में जिंदगी भर रहेगा। तो इसलिए इन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम टैटू बनाया, वो भी मेरे नाम का। तो इतना बड़ा जब वो चीज़ें, जब मैंने सेकेंड बार आया था नेक्स्ट मंथ अगस्त सितंबर में जब ये आया था मुझसे मिलने के लिए, देन उस टाइम पे जब मैंने देखा तो मैं खुद शॉक हो गई कि एक इंसान होता ना कि कैसे ऐसे करके प्यार कर सकता, उसको पता भी है कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगी या फिर मैं उसके साथ रिलेशनशिप इवन प्यार नहीं करती मेन चीज़, फिर भी वो इंसान मेरे नाम का टैटू बनाता, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बोला चलो ठीक है, एज ए फ्रेंड जो भी चीज़ें, शायद देखो प्यार ऐसे नहीं हो जाते, हम लोगों का होता है ना कोई कोई किसी के साथ प्यार तो हो जाता है बट बॉन्डिंग नहीं होता है, प्यार कर तो लेते हैं बट साथ नहीं रह पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रहना है जो भी चीज़ है साथ रह के वो चीज़, और सबसे बड़ी बात कि सनी मेरे साथ रह रहा है लिविंग में ये वो। तो गाइज सनी का जो चीज़ है, सनी का जो पास्ट है, मैं वो बता देती हूँ कि वो चीज़ मैं लाऊंगी अभी नहीं, बस कुछ टाइम जाने दो, कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे लाइफ में, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स बहुत तो हुए थे इनको लेके हुए थे घर में, मतलब मैं जहाँ रहता था तो कहीं ना तुम्हारे घर में, मैं क्लियर कर देती हूँ, सनी के घर में मम्मी पापा बहन, मेरे घर में नहीं, फोर मतलब चार जो फैमिली है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इवन मेरे से अगर सनी झगड़ा भी करता है तो वो इनको डांटते हैं। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि हाँ उनके फैमिली के साथ मेरा बॉन्डिंग कैसा है। मैं जहाँ रहता था पहले कोलकाता में पीजी में बोल सकते, तो वहीं तो 8 साल से रहता था, 7-8 साल से, तो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम हुआ इनको लेके कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और मेरे लाइफ में यही फर्स्ट है मेरा, कोई कभी कोई गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं कोई नहीं था, तो उसी कारण से तो इनको कोई मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाए। फर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करने की बात नहीं, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इनका जो फैमिली बोल सकते हो कलकत्ता में रहते थे, तो ये पीजी में रहते थे, तो पीजी में वो और इनकी दीदी भी बहुत अच्छी थी, बहुत ऐसा कोई नहीं, वो बहुत अच्छी थी, बहुत तो, अच्छी थी, अच्छी है भी, चाह भी है, हैप्पी रहे बस, और क्या है, मैं हाँ, दीदी तो मानता था, दीदी क्या माँ भी मानता था, इतना भी बोलूंगा। हाँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आठ साल ना 2016 से 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे 8 साल, 8 साल, 8.5 साल तो वहाँ पे रहे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रॉब्लम था कि सनी मेरे से बात कर रहा है, ये काम पे फोकस नहीं कर रहा, अपना बिजनेस नहीं देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बीच में लाया, और उस टाइम पे मैं उनके साथ कुछ था भी नहीं, तो कहीं ना कहीं जाके बहुत झगड़ा हुआ कि ये वो, मैं बोल ही देता हूँ क्या, सस्पेंस कुछ रखना नहीं है, लोग तो बोलेंगे ना कि जरूर तुम्हारा कुछ ना कुछ था, बिकॉज वो तुम्हारा खून का फैमिली भी नहीं था, नहीं, है ना, वो बात नहीं तो, जो भी हो, लेकिन मतलब हुआ, बोल रहा था कि ये लड़की से बात करेगा नहीं तो करियर क्या चूज करना है, तो मैंने बोला मुझे ही लगा उस टाइम पे कि, और इनका हालत भी बहुत ख़राब था, हालत इन सेंस मतलब मेंटली, तो मुझे लगा कि ऐसा मतलब मम्मी बोलते तो ठीक था, लेकिन वो दीदी और ये सब बोल रहा है तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उसी कारण की वजह से मैं बोला इनको फ़ोन करके ऐसा है तो मैं क्या करूँ, मैं निकल गया घर से, तभी बोला कि ठीक है मेरे पास आ जाओ, तो तभी इन्होंने सहारा दिया। 8 दिसंबर तो इनके लाइफ में वो 8 जो दिसंबर था
वो बहुत ही मतलब ब्लैक डे था इनके लिए। कहीं ना कहीं मैं ट्रेन का टिकट भी नहीं था मेरे पास, कितना कुछ पैसे थे, तो मैं ट्रेन में रात को बैठा, 7 दिसंबर 8 दिसंबर को पहुंचा, तो फ्लाइट की टिकट भी नहीं मिले। देन मैं आया, सारा रात इनसे बात करते करते कि ऐसा है ऐसा है, रो रहा था, मुझे तो लग रहा है मैं सुसाइड, क्योंकि मेरे पास मेरा और मतलब मेरा सब कुछ उधर है, सब कुछ इन देंस, सब कुछ बिजनेस, काम, घर होता है एक इंसान का, पता है एक इंसान का, और कहीं ना कहीं छोटे से मतलब होता है ना कि हाँ ये मेरा ड्रीम सिटी है कोलकाता, ऐसा जगह है मेरे लिए, एक एक मतलब कोलकाता मेरे लिए बहुत मतलब ये करता है, कोलकाता का हर जगह से मेरा लगाव है। तो गाइज आप लोग बोलते हो ना कि हाँ सनी तुम रिश्ते में कैसे आए, रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ने ये सिचुएशन बनाए हैं तो कुछ अच्छा ही किया होगा, क्योंकि सनी का जो बिजनेस आप लोगों को पता है वो चाय पत्ती का बिजनेस करता था, जो भी चीज़ें था वो उनके साथ बिजनेस पार्टनर में थे, 60-40 लाइक सनी का 60 था उनका 40 था, इस हिसाब से बिजनेस था। सनी का लाइफ स्टोरी ना मैं किसी दिन आप लोगों को सुनाऊंगी कि इन्होंने स्ट्रगल कैसे किया, एक चाय पत्ती बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे लाइक एक अनजान शहर में आके, तो कहीं ना कहीं अभी जाके वो सब को छोड़ छाड़ के सनी यहाँ पे आया। बिकॉज उस टाइम पे सनी का ये था कि उनका जो दीदी था, मतलब वो जो पीजी में रहते थे, पीजी वाला जो दीदी था, ऑब्वियसली हम किसी के घर पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो फैमिली टाइप बन जाते हैं, यू नो, बहुत इमोशनली हम उनके साथ अटैच हो जाते। सनी के फैमिली के साथ, इवन सनी के फैमिली को सब कुछ पता है सनी के बारे में, मेरे बारे में, वो भी एक्सेप्ट भी किया। इवन सनी की मम्मी आई भी थी जब मैंने शॉप लाइक हम लोगों ने शॉप जब स्टूडियो ओपन किए थे उस टाइम सनी की मम्मी आई थी। तो गाइज इसीलिए चीज़ें इतना मेस्टअप हो रखा है, क्या सिचुएशन से, क्या सिचुएशन से कि सनी मेरे साथ आया है, आके रह रहा है, वो सिचुएशन मैं आप लोगों को बताया है कि उस टाइम पे उन्होंने ये जो पीजी में रहते थे वो पीजी के दीदी जो है उनको सनी के सामने एक अपॉर्चुनिटी रखा, चूजिंग बोल सकते, एक अनु या तो फिर तो तेरा बिजनेस, तेरा करियर और ये घर। तो सनी ने उस टाइम पे वो भी शायद स्ट्रगल कर रहा था। बिजनेस पार्टनर एक ऐसा चीज होता है ना, एक एक को डुबा सकता है। पकड़ लीजिए मेरा और इनका बिजनेस है तो मैं चाहूंगा तो इनको डुबा सकता हूँ, ये चाहेंगे तो हमको भी डुबा सकते। मैं एज ए मेरा जितना भी पास्ट में जो भी लाइक यू नो बैड एक्सपीरियंस रहा है, आप लोग बोलते हो कि अनु तुम उसको रेस्पेक्ट नहीं करते हो, क्या ये सही है, मैं तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं करती हूँ, लाइक जो भी चीज़ें हैं, एक्चुअली जैसा है वैसा ये खुद को दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं मैं जैसा हूँ मैं वैसा इनको दिखाता हूँ, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि ना देखिए फेक ऐसा एक चीज़ होता है ना, एक साल बहुत एफर्ट्स डालते हैं, प्यार हो आप बोलते हो बहुत कोई, मैं भी रीड करता हूँ कभी कभी फ्री रहता हूँ तो कमेंट्स, तो प्यार एक ऐसा चीज़ है ना, साथ साथ रहते रहते हो जाएगा, ले हो जाता है कि एक दिन में भी प्यार हो जाता है, लेकिन क्या है ना एक साल बहुत एफर्ट्स देते हैं बहुत कोई, और मुझे तो एफर्ट्स का मतलब भी नहीं पता एफर्ट्स क्या होता है, तो मैंने सुना है या मैं ये एक्सपीरियंस पर्सन है तो मैं इनसे पूछता हूँ तो ऐसे ऐसे क्या होता है, तो बहुत सारे झगड़े होते हैं, मुझे वो रिश्ते में बिलीव नहीं, मुझे लगता है आप जैसा बस हो वैसा। मैं इतना बोलूँगी गाइज, अगर स्पेशली उन लेडी के लिए मेरे लिए छोटा सा मैसेज है कि डियर अगर आप सिंगल मदर हो और अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो मैं इतना बोलूँगी प्लीज़ किसी भी टॉम बॉय के साथ रिलेशनशिप में मत आइए, टॉम बॉय हो या लड़का हो किसी के साथ मत आइए, बिकॉज शुरू शुरू में चीज़ें बहुत अच्छा यू नो बटरी मलाई लगता है, बट आफ्टर दैट जब आप लिविंग में रहते हो तो तब जाके चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें में सब गंदे नहीं होते, सब ये नहीं होते, खराब नहीं होते सनी, सब खराब नहीं होता, पहले देख लो, तो इसीलिए गाइस इतना ही है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे किसी का लाइक मैंने जो एक्सपीरियंस का बैड एक्सपीरियंस उतना ही बोलूँगी कि एज आप सिंगल मदर हो
तो प्लीज आप अपने बच्चों के लिए हैप्पीली रहो, हैप्पीली वो करो, बट रिलेशनशिप में मत आओ। जाओ भी तो मैं ये बोल नहीं है ना, ऐसा मत नहीं, रिलेशनशिप में आओ बट लॉन्ग डिस्टेंस में रहो भाई, एक ही घर में रह के हस्बैंड वाइफ बन के या फिर वैसा मत रहो। मैं तो ये बोलूंगी, नहीं बाप रे, मैं तो ये बोलूंगी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले इंसान को जानो, उसके लिए टाइम लो, एक ही जगह पे रह के जानो, जैसे हम लोग रह रहे करो, हम लोग रह रहे, हम लोग दोनों को जान रहे हैं पहले, उसके बाद आगे जाके डिसीजन लेंगे। मैं प्यार करता हूँ तो क्या हुआ, बट बहुत गंदा एक्सपीरियंस है इनका, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम ले लें, टाइम, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पाल नहीं सकती, अकेली नहीं रह सकती, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं जाके ना ऐसा फील होता है कि काश मेरा भी बात रख करने का कोई हो, एक साथी हो, एक, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हस्बैंड ही चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बॉयफ्रेंड ही चाहिए, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, अगर वो आपको टाइम दे तो। ऐसा नहीं है, बिकॉज देखो मैं इतना ही बोलूँगी, मैं तो इतना ही बोलूँगी भाई, शादी मत करो, एज ए लिविंग में रहो, हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं जो सिंगल होता है ना, सिंगल उसका दो साल तो देख लो, उसके बाद करना है तो करो, आपके दिल में लगे तो ही करो, वो इनका बात जो है छोड़ दो। लेकिन मेरा मेरा कुछ कहना है कि हाँ, कि एक दो साल थोड़ा सा देख लो, बिकॉज क्योंकि आपका बच्चा है, पहले शादी कर लो, बच्चे को पहले, जैसे इनके साथ हुआ तो मैं वही सोचता हूँ, पहले तो कोई बच्चे को नहीं देखा था, जब बच्चा आया, फेस किया, तभी प्रॉब्लम्स आए ना, तो पहले से ही सब मतलब मैनेज, जैसे हम लोग के साथ अभी राज रहता है, हम पहले से ही सब कुछ फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब कुछ फेस करा लो, देन उसके बाद आगे जाके जैसा होगा है ना, तभी आगे जाके आपको लगेगा कि हाँ ये राइट पर्सन है, देन मैं इनके साथ शादी करती हूँ, है ना, तो करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम अपना रास्ता क्लियर कर रहे हो कि नहीं तुम मुझसे शादी करना? नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं मैं इनको भी बोलता हूँ, मैं इनको भी बोलता हूँ कि आपको लगे तो ही, मुझे ऐसा नहीं कि गले पड़ गया तो शादी करो, नहीं, आपके दिल में लगे कि हाँ ये राइट इंसान है, मैं इनके साथ अपना फ्यूचर देख सकता हूँ तो ही, अदरवाइज मैं किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता, और मुझे वो लवी डवी वाला सीन पसंद भी नहीं है। तो होप गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया है चीज़ें, तो हाँ इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो एज ए सिंगल मदर, उनके लिए मेरा छोटा सा मैसेज है, प्लीज़ भले ही आप लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत होता है, बट आप अगर जब लिविंग में रहने जाते हो तो वो सारी चीज़ें फेस करना आपको पड़ेगा, बिकॉज देखो एज एक बच्चे का भी ना एक डेफिनेशन अलग अलग होता है। क्या बोला, जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, जैसे कि दो तीन साल तक या फिर 3-4 साल 5 साल, वो बच्चे अलग होते हैं, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना 9-10 साल का 11 साल का वो अलग होता है, जो होता है ना 14-15 साल का तो वो एक्सपीरियंस अलग होता है, क्योंकि जब हमारे बच्चे जब 15-16 साल के हो जाते हैं तो तब उनका ना एक पर्सनल लाइफ हो जाता है, उनका ना एक दुनिया अलग से हो जाता है चीज़ें। और एज ए घर पर मैं बोलूँगी, मैं अपने बच्चे से लाइक मैं थोड़ा सा मैं बहुत स्ट्रिक हूँ, मुझे हर एक चीज़ लाइक होता ना, मैं उतना ओपन नहीं हूँ मैं अपने बच्चे के साथ, ओपन लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ हंसी मजाक जो भी चीज़ें ओपन है, बट उसका दिल में क्या चल रहा है, वो किसके साथ क्या बातें कर रहे हैं, किसके साथ क्या नहीं कर रहे, एज ए फ्रेंड जोन यू नो ब्रो जोन बोल सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग सनी के साथ है, तो उसका भी बैड एक्सपीरियंस रहा है प्रीवियसली, क्योंकि छोड़ो वो चीज़ें जाने दो, तो अभी है कहीं ना कहीं जाके आज के डेट में जब राज मुझसे शेयर करता है ना, तो मुझे फील होता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं ना तो मुझे बहुत खराब लगता है। चलो तो मैं एक बात बोलूँ, अभी मतलब अभी तो राज हम लोग के साथ रहता है, एग्ज़ाम के बाद से उसको मैंने ही फोर्स किया, आ जा। तुमने फोर्स किया उसको क्यों? हाँ पहले वो नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? उसका भी बैड एक्सपीरियंस था, कुछ बहुत गंदा एक्सपीरियंस है बात है, एंड कहीं ना कहीं जाके मैं बहुत मतलब राज एंड स्नूपी मेरे सब कुछ है, भले चाहे अनुजी ना मिले तो भी चलो अच्छा है।
एक्सपेक्टेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा शुरू से ये है कि सनी एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ, मेरा भी विदाउट एक्सपेक्टेशन तुम्हें अगर कुछ मिलेगा ना उस चीज़ में तुम हैप्पी फील करोगे। अगर मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन रखूंगी सनी ये करेगा वो करेगा वो ना झगड़ा होगा आगे चल के। एक्सपेक्टेशन, हाँ ये भी बात बहुत अच्छी बोले आपने, एक्सपेक्टेशन की। हाँ ये खाना बनाएंगे, ये इनकम करेंगे, ये करेंगे, ये वो करेंगे, मत करो एक्सपेक्टेशन लाइफ में। वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बर्बाद करता, वो सब कुछ बर्बाद करते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन करो मत, एक्सपेक्टेशन के बिना कुछ आपको मिलता है ना उसका खुशी दुगना चौगुना होता है। एक्सपेक्टेशन मत। हाँ, तो गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया कि सनी और मैं किस सिचुएशन में रहे हैं और सनी और मेरा रिश्ता क्या है। मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया कि देखो कोई अगर किसी के साथ रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि लबी डबी हगी पगी। और एक बात, सब बोलेंगे, अभी मैं मैसेज देखता हूँ ना तो मतलब कमेंट्स देखता हूँ ना तो सब बोलेंगे हाँ सनी ने अनु को चूज किया। हाँ उस टाइम पे ना मुझे लगा था कि एक्चुअली मेरे लाइफ में कोई मतलब कोई एक लड़की मेरे से बात करेंगी एंड वो मेरे कहीं ना कहीं क्रश टाइप के थे। तो क्रश टाइप के थे इसका मतलब क्या है? तो मतलब क्रश बोलते ना मतलब हाँ कि मैं इनको देखता था ये वो। तो मैं वैसे रोज नहीं देखता, कभी कभार देखता था तो क्रश टाइप के थे तो मुझे लगा कि ये और मुझसे बात करते कहीं ना कहीं मैं तो इनको प्यार करता हूँ। तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करते लाइफ में तो बहुत पैसा कमा सकते, बहुत साथ में भी करियर बना सकते। करियर एक ऐसा कुछ नहीं, पार्टनर मिलना। अच्छा एक बात बोलो कि तुमने जो ये बात बोला कि हाँ उन्होंने तुम्हारे सामने ये रखा था या तो करियर या तो अनु, तो तुमने अनु को ही क्यों चूज किया? क्या वही तो मैं बोला ना, तो मुझे वही की क्रश टाइप के थे। तुम्हें पता भी था कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें तुम्हारे साथ नहीं होगा। हो जाएगा हो जाएगा, वो बात की बात है, अगर होगा तो अलग बात है। तो हो जाएगा। हाँ तो पहले के जमाने में कि लड़की का लड़के का मुंह भी नहीं देखते थे तो भी शादी हो जाता था। तो हम लोग तो शादी नहीं कर रहे हैं ना अभी, तो पहले लिविंग में रह रहे दोनों को जान रहे अच्छे से, उसके बाद हम लोग का फैमिली बॉन्डिंग अच्छा है, हम लोग का सब कुछ अच्छा है, हम लोग का बॉन्डिंग अच्छा है। इवन अभी अभी नहीं पता आगे जाके क्या होगा, लेकिन देखो गाइस और सनी तुमको भी मैंने ये चीज़ें बोला है कि मुझे देखो मैंने जितना भी तुम्हें पता है कि स्नूपी खराटे ले रही है, इग्नोर कर सॉरी गाइस इग्नोर कीजिए, स्नूपी खराटे ले रही है यहाँ पे सो सो के, वो देखिए कोने में। तो गाइस मैं इतना ही बोलूँगी कि जो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से सबक ले चुकी हूँ और इसीलिए मुझे ये है कि नहीं देखो क्योंकि मैं सिंगल मॉम हूँ बट मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा रहता है, मेरे स्नूपी रहता है। अगर तुम एज अ फैमिली सारी चीज़ें, क्योंकि देखो वो बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो घर में बहुत सारी चीज़ें होता है उसको स्टॉप करना। हम लोग साथ में रहते हैं तो वो बात अलग होता है कि सनी और मैं साथ में रहते हैं, सिंगल है कोई बात नहीं, तुम स्मोक करो ड्रिंक करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब बच्चे घर पे हैं तो वो चीज़ें मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि अगर तुम ये चीज़ें करते भी हो, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम करते हो कि नहीं करते हो, तुम्हें मैंने पहले वार्निंग दे दिया था कि तुम अगर करते हो ये चीज़ें सॉरी, अगर घर पे रहना है तो नो स्मोक नो ड्रिंक, मैंने तुम्हें बोला था ये चीज़ें, मैंने क्लियर किया था। क्योंकि देखो मेरा बेटा है, बेटी नहीं है, और जहाँ तक बेटा लोग ज़्यादा बिगड़ते हैं मेरे हिसाब से, तो अगर लड़के लोग ज़्यादा भी करते हैं, बिकॉज देखो एज ए मॉम मुझे इतना वो फील है कि मैं अगर बेटे को कुछ बोल रही हूँ, सपोज मैं ड्रिंक करती हूँ स्मोक करती हूँ एंड देन मेरा बेटा, उसका तो अभी ग्रोथ है ना, वो अभी 16 की है, 16 की है, वो अभी 16 की है, आगे जाके 16 का है, हाँ 16 का है, आगे जाके वो ऑब्वियसली ये जो ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे ड्रिंक स्मोक ये सारी चीज़ें होता है, तो मैं उसको बढ़ावा ज़रूर नहीं दूंगी। अगर वो चीज़ें करेगा, वो भी अगर दोस्तों के पाले पे पड़ के जो चीज़ें करेगा, तो मैं उसको जब बोलने जाऊँगी ना तो वो मुझे कहीं ना कहीं उल्टा बोलेगा कि हाँ आप तो आप भी तो करते हो। ऑब्वियसली अगर मैं किसी को कुछ बोल ये रही भी हूं, बोला था मुझे राज ने, ये भी बहुत कुछ शेयर किया था वो, एक्चुअली क्या ना राज का सब कुछ उसका वो फ्रेंड्स लोगों के साथ क्या करता है क्या नहीं ईच एंड एवरीथिंग शेयर करता है ना, तो ये भी एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैंने एक चीज़ राज को भी क्लियर कर दिया, एक चीज़ सनी को भी क्लियर कर दिया,
अगर मैंने कुछ गलत देखा या सुना, सुना तो सुनते तो बहुत कुछ है, अगर मेरे आंखों में कुछ पड़ा, अगर मैं देखी, तो उसी दिन मैं घर बार छोड़ के चली जाऊंगी, स्नूपी को लूंगी, स्नूपी को उठाऊंगी और मैं चली जाऊंगी। मैंने ये बोल के रखा है, अगर खुद का दामन ही साफ नहीं होगा तो मैं उसको बोलूंगी। सपोज एज लाइक एज अ डेमो, मैं सिगरेट पीती हूँ, पीने के बाद फिर एक ही सिगरेट लेके मैं सनी को भी पिलाती हूँ, मैं भी पीती हूँ, बट आफ्टर दैट फिर मैं जाके बोलती हूँ तुम सिगरेट मत पियो, सनी तुम्हारा मम्मी मेरे को बोल के रखा है मत पियो, ठीक है, अगर सिगरेट पियोगे ना तो मैं तुम्हारी मम्मी को बोल दूंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं गाइस, बस। बट हाँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि सनी एज अ गुड पर्सन हो, जो भी चीज़ है, सनी बहुत अच्छा इंसान है, बोलने की बात गार्जियन नहीं है, गार्जियन हो, जो भी चीज़ हो, गार्जियन। राज का तो सनी उन सारी चीजों स्नूपी में का नहीं एक है। बेबी, एक ऐसा चीज है ना उसको, और छोटा है ना, तो कहीं ना कहीं अभी मतलब ये नहीं करेंगे, गाइडलाइंस नहीं लेंगे तो बाद में जाके दिक्कत होगा। कोई कोई आप बोलते हो ना कि एक बच्चा हो गया अभी भी ये रिलेशनशिप में ये कर रहे वो कर रहे, तो डियर मैं आप लोगों को इतना ही मैसेज देना चाहूंगी कि एक बच्चा है, मैं उस चीज़ से कभी भी नहीं मुकरी हूँ, इवन मैंने हर रिश्ते में मैंने क्लियर किया है मेरा एक बच्चा है मेरे पास, ठीक है। हाँ, ये बात अलग था कि उस टाइम पे मैं जॉब करती थी तो बच्चे से दूर रहती थी, ठीक है, बट ये नहीं है कि बच्चा मेरे साथ नहीं है, मैं जितना दिन जिंदगी जीऊंगी बच्चा मेरे साथ ही रहेगा। हाँ, जब उसका शादी हो जाएगा तब वो बात अलग है, तो उसका शादी हो जाएगा उसको ऑब्वियसली पर्सनल एक लाइफ हो जाएगा, और मैं भी चाहती हूँ कहीं ना कहीं वो शादी हो जाएगा तो उसको उसको मैं अलग से उसका एक यू नो मेरा स्नूपी का जो भी शादी दो है। नेक्स्ट स्नूपी तो मेरे पास रहेगा। तो होता है जब चीजें होता है घर जमाई लेंगे हम लोग स्नूपी। तो गाइस यही है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब राज भैया के लिए भी घर में ही लाएंगे, बाहर नहीं जाने देंगे हम लोग मुझे बच्चे इतना को। ही है कि हाँ, सनी मेरे साथ रह रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, सनी बहुत अच्छा इंसान है, हर चीज में परफेक्ट है, ना ड्रिंक करता है ना स्मोक करता है, लाइक फैमिली बॉन्डिंग है, इसको फैमिली से घुलने मिलना बहुत पसंद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि तुम पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, नहीं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना एज अ गार्जियन बोलो, एज अ चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें परफेक्शन सनी में है, तो उन सब चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं मैं भी वो करती हूँ कि चलो लाइफ में क्या है, प्यार ही वो चीज़ें नहीं होता है, हाँ साथ रहता है तो प्यार भी हो जाता है कहीं ना कहीं। मैंने कमेंट देखा, बहुत कोई बोलते हैं अनु तो परफेक्ट है नहीं, अनु ये है, अनु तुम्हें कहते, कोई परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में भी बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जो हम लोग के साथ मतलब रहते हैं उन लोगों को ही पता है हाँ, ना। कोई ऑब्वियसली कोई परफेक्ट नहीं होता है, बट एक चीज़ होता है ना, जब टाइम पीरियड आता है, जब चीज़ों को हम फेस करते हैं तो तब पता चलता है कि क्या है, सीन क्या है, ठीक है। तो तो कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो सब कुछ लेके चलना पड़ता है सब कुछ मैनेज करके ही चलना पड़ता है, तभी ना आप एक रिलेशन बिल्डअप कर पाओगे, है ना। तो गाइस होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गया है कि सनी क्यों है मेरे साथ, सनी लाइक मैं और सनी लवी डबी रिलेशनशिप में नहीं। गाइस फिर से मैं क्लियर करूँ, सनी और मैं लवी डबी, और इस ब्लॉग में आप लोग अगर ब्लॉग कंटिन्यू करोगे तो इस ब्लॉग में कभी भी वो चीज़ें आएगा ही नहीं, अगर होगा, अगर मेरे मन में होगा तो ज़रूर आएगा वो चीज़ें, क्योंकि देखो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा गंदा बैड एक्सपीरियंस है ना कहीं, तो इस कारण से थोड़ा सा मुझे भी लगता है टाइम देना चाहिए, टाइम सब कुछ हील कर देता है। इतना ही बोलूंगी कि ऑब्वियसली हील कर दिया है, बट मैं वो चीज़ें रिपीटेड नहीं करना चाहती हाँ सनी, ठीक है, वो चीज़ें मैं रिपीटेड नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बोला है, तो आके रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, देखो बट चीज़ें। ये मत सोचना कि मेरे रहते हुए दूसरा कोई आ जाएगा,
हाँ मैं ये चीज ओपन ही मैंने क्लियर किया है कि हाँ सनी है तो कोई नहीं आएगा, है तो क्यों? है तो क्योंकि ये मेरी है। ये मत सोचना, बहुत कोई मैसेज करते हैं आपके साथ तो सनी का कुछ नहीं है तो हम आ जाते हैं हम से पे, ऐसा कभी ना सोचना, ये हमारी ही है। अरे ऐसा नहीं होता है, तुम्हें भी पता है कि मैं लॉयल हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है ना? तो क्योंकि देखो गाइस चीजें थोड़ा टाइम लगता है हील होने में। हाँ सनी जितना दिन मैं जिंदा रहूंगी, अगर सनी खुद से ना जाए तो आप लोग देख पाओगे मेरे साथ ही, और अगर सनी चला गया तो जाऊंगा भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शुरू शुरू तो में सोचना मत, ये मेरा ही है। शुरू शुरू में होता ही है सनी, ठीक है चलो, चलो नहीं सब मैसेज करते हैं कि ये मेरा ही है। गले से हाथ तो हटाओ, गले में लग रहा है ऐसे ही मजाक किया, जो भी हो मैसेज ना करिए। चलो मैं इतना ही बोलूंगी कि हाँ मैं किसी के दिल में ठेस नहीं पहुंचा सकती, बिकॉज मुझे पता है कि सनी के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मैंने मेरे तरफ से चीजें मैं क्लियर हूँ। हाँ तुम प्यार करते हो ना, ये चीजें तुमने मुझे बोला है मिलने के बाद, इन्होंने बोला है मिलने के बाद, पहले नहीं बोला था जब 29 जुलाई ना, 29 जुलाई उस टाइम पे नॉर्मल बात हुआ, 30 जुलाई को इनको मैंने विश किया हैप्पी बर्थडे करके। हाँ वो भी मैंने ही बोला, हेलो मेरा बर्थडे हो गया 12 बज गए एक तो विश कर लो। तो यही है हम लोगों का स्टोरी गाइस, और पता नहीं आगे क्या स्टोरी होगा, बट हाँ अगर आप लोग ये हमारे फैमिली से जुड़ते हो, हमारे अलग चीज़ें होता है, तो मैं इतना बोलूँगी गाइस कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कभी भी यहाँ पे ये नहीं है कि हम लोग कितना प्यार करते हैं, ये चीज़ें नहीं है इसमें गाइस, वो चीज़ें नहीं है। अगर इन फ्यूचर होगा तो हाँ वो भी एड ऑन होगा, बट ये स्पेशली है आप लोगों के लिए मेकअप कंटेंट, ये यहाँ का जो मेरा जो चैनल डेली लाइफस्टाइल मेकअप कंटेंट, प्रोडक्ट रिव्यू, स्टाइल मतलब ड्रेस स्टाइल, ये सारी चीज़ों को लेके ये मेरा चैनल है। और देखो हर किसी का चैनल का जो नीव होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है? मोस्ट ऑफ ऑल एलजीबीटी कम्युनिटी में ये ज़्यादातर होता है कि प्यार कैसे होता है, प्यार रहता है, ये रहता है। तो हाँ ऑब्वियसली वो लोग, मैं ये नहीं बोलूँ, वो अपना अपना चीज़ें लेके आए हैं कि हाँ प्यार लेके आए हैं, जो कि करते हैं इसलिए लेके आए हैं, बट जो चीज़ें दिखावे की होता है वो चीज़ें नहीं रहता है गाइज, ठीक है? क्योंकि दिखावे की चीज़ आप कितना दिन करोगे। तो आप लोग बोलते हो ना अनु इतनी रूड है, देखो मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। अगर मेरा चैनल ये होता ना कि हाँ मुझे लवी डवी दिखाना है, मैं कितना प्यार करती हूँ, मैं इतना एज ए हाउस वाइफ, एज ए लाइक क्या बोलते हैं, एज ए मदर, एज ए वाइफ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरी अच्छाई मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नहीं गाइस ऐसी नहीं है चीज़ें, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखाती हूँ, मैं जैसा फील करती हूँ मैं वैसे, मैं जिस टाइम पे जो फील करती हूँ मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ, मैं सनी से भी वही शेयर करती हूँ। तुम तो मुझे पसंद क्यों करते थे? क्या कि क्या पसंद आया था मुझे मुझ में तुम्हारा? कब? शुरू में कुछ नहीं। चलो मजा आते हैं, बाय। कहाँ जाओगी रे ना इधर ही। बोलो क्या क्या पसंद किए थे तुमने? कुछ नहीं, मतलब वो एक क्लियर इंसान है ऐसे ही, यही पसंद आया था। बाकी तुम बहुत सुंदर हो, ये सब कुछ पसंद नहीं आया। सुंदर और मैं, वही मैं बोले, ये सब कुछ पसंद नहीं आया था, ये मुझे तो नहीं लगता सुंदर। मुझ में तुम्हारा मेन क्या दिखा? क्यों बोलो, बोलना तो पड़ेगा ना, बोलो। वही झूठ नहीं बोलते, सबसे बड़ी बात यही मुझे पसंद आया था, बाकी ये सुंदर वंदर आया था या पसंद है क्या है ये भी मैं क्लियर करती हूँ। पानी ले आ, मैं ठीक। तो होप गाइस इस वीडियो से आप लोगों को बहुत बहुत कुछ जानने को मिला हमारे बारे में। लवी डवी वाला चैनल नहीं है ये, चैनल सिर्फ मेरा है, और जहाँ वो हगी पगी ऐसा वो वाला लवी डवी। तो यार
लाइक अगर ये वाला चैलेंज ऐसा होता ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एज ए सिग्नेचर, ऐसे बोलो भी मन में कैसे? नहीं नहीं होता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा हर एक छोटी छोटी चीज में ख्याल रखता हूँ, ये सर यू नो लाइक आइडल 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 वाइफ या आइडल रिलेशनशिप लाइक दैट दिखाना दिखाने की कोशिश, तो वो सारी चीजें हैं ठीक है। तो उस वो अगर मैं वो करूँगी तो वही चैलेंज का नींव होगा ठीक है। बाकी जो हम लोगों के बीच में चल रहा है वो किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि चैलेंज में वही दिखाया जाएगा कि मैं एज ए आइडल वाइफ हूँ, आइडल वो हूँ, तो उस हिसाब से मैं तुमसे जब प्यारी प्यारी चीजें करेंगे वही चीजें मैं लाऊंगी ना। अच्छा, अब तुम्हारे साथ मैं गुस्सा कर रही हूँ क्या कर रही, वो चीजें तो मैं नहीं लाऊंगी। अब तुम मेरे साथ गुस्सा करो ये मैं लाऊंगी, क्योंकि मुझे आइडल वो होना है, आइडल वाइफ, आइडल जो भी चीज़ है आइडल वाइफ होना है, एज लाइक आइडल क्या बोलते हैं उसका गर्लफ्रेंड होना है, तो उस हिसाब से तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो वो मैं लाऊंगी, बट मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ वो चीज़ें मैं नहीं लाऊंगी। नहीं ये सब नहीं करना चाहिए ना, वो चीज़ें जो रियलिटी है वही करना चाहिए। तो वही चीज़ है गाइस, होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गया है, और आप लोगों को और कुछ क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वो सारे क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, होप नेक्स्ट ब्लॉग पे, और नेक्स्ट ब्लॉग मैं ही शूट करूँगी क्योंकि सनी का वो रहेगा एज ए, क्योंकि वो मेरे साथ ही रहता है, तो मैं क्या क्या करती हूँ जो भी एक्टिविटीज़ है जो भी चीज़ें हैं वो सनी भी आप लोगों के साथ रहेगा, आप लोग उनको भी देख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब हो गया चलो चलो अब मैं भी जाना है स्टूडियो, अभी टाइम कितना हो रहा है 12:30 बज गए, चलो चलो चलो।